टू फाइंड द ग्रेटर इनटू थ्री नंबर। अब देखिए मैं कोडिंग में एडिट कर रहा हूँ, क्यों एडिट कर रहा हूँ कि टाइम का बचत हो। तो आप लोग एडिट मत करने लगना लाइव में, आप लोग प्रैक्टिकल जब भी बैठोगे क्या करोगे अपने मन से करोगे। तो तीन नंबर राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर इनटू थ्री नंबर, ये आप पोस्ट में दे देता है लिख लो, या आर करके कमेंट में लिख लो कैसे सवाल पूछता है एग्जाम में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इंटू थ्री नंबर, और उसके आगे जरूर एक बात लिख देगा यूजिंग है ना इल्स इफ लैडर। तो आपको इसी पे बनाना होगा, कभी कभी एग्जाम लिख देता है ना, तो आपको किस पे प्रोग्राम बनाना होगा इसी पे। आइए हम रन कराते हैं, देखो सेवाएं जब भी करेंगे हमने एक ग्रेटर वन कोई भी नाम दे दो, ग्रेटर वन देखिए बार बार एक ही नाम मत रखना, ग्रेटर वन डॉट सीपीपी। अब ये कितना नंबर में देखना है बच्चों, तो इसको ध्यान दीजिए, पहले तो तीन लाइन सब जानते हो, अब कितना नंबर लेना है बच्चों, तीन। तो हम शॉर्टकट अब मना लेते हैं, एबीसीडी मान लेते हैं, पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर सी, कोई कंफ्यूजन। पाएंगे इंटर द फर्स्ट नंबर, तो एक किसमें स्टोर हो जाएगा बच्चों, इंटर द सेकेंड नंबर एक किसमें होगा, बी में, इसके ये तो सही है ना। अब क्या चाहिए, इंटर द थर्ड नंबर। अब पाओगे सर इतना लंबा प्रोग्राम लिखेंगे, अभी एक लाइन में भी बनाना बता दूंगा, ये पहले कमजोर बच्चों के लिए। इंटर द सी, कोडिंग याद होना चाहिए। अब यहां देखे पहला नंबर डालिए, दूसरा नंबर डालिए, तीसरा नंबर डालिए, ये बी सी में स्टोर हो गया, तीनों इनपुट हो गया, आउटपुट हो गई। अब यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रहा है इफ लैडर। पहले क्या सिंटेक्स में था, पहले क्या लगाएंगे इफ, कि इफ नंबर वन मतलब ए इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो, बी से बड़ा हो, अगर और के लिए लॉजिकल आर पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाते, एंड ए इज ग्रेटर देन सी। एक्सेल में भी पढ़े हैं कि लॉजिकल आर इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ये कब लगेगा जब पहला भी कंडीशन सही हो, और तो अगर ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, नंबर वन या नंबर वन, अरे वही हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, बताए थे कि नहीं बताए थे, ए इज ग्रेटर, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए ए भी गलत, मान लीजिए ए का जिंदगी भर ए ही बड़ा होगा, बोलो कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये मान लिया, अब देखिए यहाँ पे इल्स इफ अब लगेगा, क्या लगेगा, क्या हम लोग पढ़ना है, इल्स इफ, मान लिया वो बात सही नहीं हुआ तो अब क्या कंडीशन देंगे, बी इज ग्रेटर देन सी। तो अगर मान लिया ए बड़ा नहीं होगा तो बी से छोटा हो गया ना, तब बी किससे बड़ा होगा, सी से। तो अगर बी सी से बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा बाबू, नंबर टू इज ग्रेटर देन, नंबर टू मतलब बी इज ग्रेटर। चलिए मान लीजिए ये भी गलत नहीं हुआ, ये भी बड़ा नहीं है, तो लास्ट में फिर क्या लगाएंगे, इल्स क्या बड़ा हो, प्रिंट ऑफ पोस्ट में नंबर थ्री सी इज ग्रेटर। ये कोडिंग उन्हीं लड़कों को समझ में आएगा जो डेली क्लास करते हैं लाइव में, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अब एक बार और समझिए, एग्जाम में इसको इम्पोर्टेंट करिए, क्योंकि ये तीन नंबर में पूछता है, ओ लेवल बहुत इम्पोर्टेंट, इसको उतारिए इम्पोर्टेंट, समझिए।
क्या क्वेश्चन देगा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ लार्जेस्ट नंबर इनटू थ्री नंबर यूजिंग इल्स। कभी कभी ये नहीं देता, तो आप क्या करेंगे, हैच इंक्लूड स्टूडियो डाटे मिला लेता हूं, कोई गलती है, कितने नंबर लेना है, तो यहाँ पे तीन नंबर ले लीजिए ए बी सी। पहले कहोगे इंटर द फर्स्ट नंबर ए में स्टोर हुआ, इंटर द सेकेंड नंबर इनपुट बी में हो, इंटर द सेकेंड नंबर सी में हो। अब यहीं से कोडिंग स्टार्ट हो गई। देखिए यही है, यदि ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो तो कौन बड़ा होगा, नंबर वन ए। अगर मान लीजिए बात गलत हो गया तो कौन कंडीशन चेक करेगा, ये वाला, तो इन सी बी इज ग्रेटर देन सी तो कौन बड़ा होगा, नंबर टू। अगर ए भी गलत हो गया तो लास्ट में कौन बड़ा होगा, सी। इसे हम सेव कर लेते हैं उसी तरह, और टर्बो सी लोड करिए। फाइल किस नाम से सेव है बच्चियों, जी आर वर्चर सीपीपी। तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर में एक मिनट से ज्यादा मत रुकिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्यूटर पे लोड पड़ता है। F3 जितना हो, F3 किस नाम से सेव है बच्चों, एक प्रोग्राम आ गया कि नहीं आया, इसको इस लाइन में मारते इंटर नीचे भग जाए, ठीक है। ये वाली बात अगर कंफ्यूजन करता हो तो हटा भी दोगे, रहेगा तो भी भला, नहीं रहेगा तो भी भला। चलिए कंपाइल कराते हैं, मैं बताया था कंपाइल के साथ एक भी एरर नहीं आना चाहिए। देखिए रन इंटर द एनी नंबर फर्स्ट नंबर 100, इंटर द सेकेंड नंबर 20, इंटर द 40, कौन बताइए कौन बड़ा, देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए दूसरा बी को बड़ा करते हैं, 20, 23, 56, 78 कौन बड़ा, नंबर थ्री इज ग्रेटर, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो। अगला रन 12, 56, 3 कौन बड़ा, तो नंबर टू इज ग्रेटर, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको उतारने के लिए आप लोग नोटपैड में उतार लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, उतार लीजिए जो नहीं जानते हैं, जो कल नहीं आए तो उनके लिए है। GR1 10 उतारिए बच्चों। अब बोलिए कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको कहीं भी पूछना है पूछ सकता। देखिए सी लैंग्वेज का जो बैच चल रहा है 3 से 5 चल रहा है, कोई भी लड़के को कोई भी लैंग्वेज में कहीं भी दिक्कत होगा तुरंत पूछ सकते हो, लेकिन कोडिंग आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ अभी एक बात भूल गए, अभी एक लड़का कहा सर इतना लंबा लिखना नहीं चाहते हो तो एक लाइन में देखो इसको तीनों लाइन मिटा दो, एक के लाइन में लिख सकते हो, लिख दोगे इंटर द एनी थ्री नंबर, कब आन नंबर लेना है बच्चों, तो परसेंटेज डी कब लगाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार। पहली वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो, दूसरी वैल्यू बी के अंदर, बोलो, तीसरी की वैल्यू सी के अंदर, आ गई बात समझ में, तो वो रन कर जाएगा। देखिए एग्जाम में ही आर करके भी रन करा के दिखा देना, उन्हें आधे कहेंगे सर उससे बता दिए, रन करके देख लो तब वो रन करेगा। बस यही है कि एक बैग तीनों नंबर पूछेगा। देखिए F3 ये सब क्या हो रहा है, एक बैग आ रहा है, इसको आने दीजिए, इतना प्रोग्राम बना हुआ है इसलिए आ रहा है। F3 किस नाम से बच्चों, GR1। देखिए F5, देखो एक बार पूछेगा इंटर द एनी थ्री नंबर, पहला डाल देते 10, 10, 10, इंटर द सेकेंड नंबर 20, इंटर द सेकेंड नंबर 3, देख रहे हो एक बैग डाल सकते हो, कौन नंबर बड़ा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भी रन कर जाएगा। तो एग्जाम में